नमस्कार, मैं पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रामपुर में आगमन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद थे। उन्होंने भी माला पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष का रोड शो फोटो चुंगी से एलआईसी चौराहा से स्टार चौराहा से सिविल लाइन्स माल गोदाम और आखिर में अंबेडकर पार्क पर आकर खत्म हो गया। प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जिस ओर भी गुजरता उस ओर फूलों मालाओं से उनको उनके चाहने वाले जोरदार स्वागत करते। उनको फूल मालाओं से उनको कार्यकर्ताओं ने लाद दिया। उनके जोरदार स्वागत से स्वतंत्र देव सिंह भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने भी दिल की गहराइयों से अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। ऐसे रामपुर से गुज यासिन खान की एक खास रिपोर्ट। हमारे मोर्चों का संगठन का संपूर्ण होमवर्क बूथ तक सदस्यता सी श्रेणी का बूथ जिस पर सी श्रेणी कहा जाए जिस पर मैं हारा था वहाँ भी 50 से लेकर 300 लोग मेंबरशिप में मतलब जो हमारी सी श्रेणी की बूथें थी जिस पर वोट हमें 0, 10, 5 मिला था आज के डेट में जो मेंबरशिप हमारी हुई है 50, 100, 200, 300 मेंबरशिप वहाँ हुआ है। यहाँ के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, यहाँ के पदाधिकारी के बधाई के पात्र हैं, जो परिश्रम की पराकर हमारे जिलाध्यक्ष बधाई के पात्र हैं। इसी श्रेणी पर भी मेंबरशिप बीजेपी का की जय प्रदा चुनाव लड़े आजम खान पर एक के बाद एक जो है मुकदमे लगे रहे अब तक जो है 76 मुकदमे करीब लग चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती, न किसी व्यक्ति को बचाने का काम करती। हमारा कोई कार्यकर्ता किसी थाने में किसी को बचाने का काम नहीं करता, न फोन करता। जो प्रशासन शासन है अपना जांच करता है, जिनकी जांच चल रही है वो जांच होता है, तो जांच के आधार पर निर्णय होगा। उपचुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके लिए संगठन की यहाँ बैठक थी। जिस रचना पर हम लोग बात होती है की कमेटियां, सेक्टर की कमेटी और मंडल निर्माण करना, फिर इसकी सक्रियता उसके नीचे तक बैठक करना, तो हमारा होमवर्क चल रहा है। प्रत्याशी के बारे में बाद में चयन होता है और जो सरकार की योजना है सरकार के विकास के नाम पर माननीय योगी जी के विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़े। रामपुर आप आए हैं, रामपुर मतलब रामपुर में किसको भाजपा जो उतारेंगे मैदान? देखिए कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकारता हो, जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता रहेगी और संगठन के प्रति में प्रति जिसका समर्पण रहेगा, ऐसे प्रत्याशी के बारे में चयन करके हम लोग संसदीय बोर्ड को भेज देते हैं और दिल्ली से टिकट फाइनल करते हैं।